एज ए ट्रांसजेंडर बहुत मुश्किल होता है कि इंसान को अपने आप के इश्यूज के बारे में डील करना। स्मॉल चाइल्डहुड में कई बार रेप के अटेम्प्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने मेरा डिसएडवांटेज लिया। मुझसे ज्यादा ट्रॉमा मेरी माँ ने सहा है। उनको ऐसे लगता था कि एक ही बच्चा मुझे मिला और वो बच्चा भी एक ट्रांसजेंडर मिला। उनको ऐसे लगता था कि ये पिछले जन्म का पाप है। मैंने खुद ने करीब 3 बार अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की। 3 बार कोशिश करने के बाद मैंने ऊपर देखा और मैंने भगवान को बोला, यार तू मुझे मारना नहीं चाहता, ठीक है अब मैं तुझे जी के दिखाऊंगी, जीऊंगी ना सिर्फ अपने लिए बट मेरे जैसे कई सारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। मैंने क्विट फाउंडेशन संस्था बनाई जो ट्रांसजेंडर ने ट्रांसजेंडर के लिए बनाई गई है। कई बार यहाँ पे ट्रांसजेंडर भाग के आते हैं और उनके पीछे उनके माँ बाप आते हैं, दरवाजे पे आके लड़ाई करते हैं, गुंडे लेके आते हैं, पुलिस की सहायता हमको लेनी पड़ती है। 25 लोग रहते हैं, इनको हर रोज का 2 टाइम का खाना, 1 टाइम का नाश्ता प्रदान करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जी रहे हैं जो HIV के साथ जी रहे हैं। HIV के साथ जब हम जीते हैं तब उनको मेडिसिन खाना पड़ता है हर रोज का। ये सभी फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड करते हैं तो ये एक अपने आप में चैलेंज है। सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ डोनेट कार्ड के माध्यम से, प्लीज़ आगे आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। उसी के सहारे हम बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को न्यूट्रिशियस खाना दे पाएंगे। हम सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से आपको हाथ जोड़ के इस बारे में विनती करना चाहती हूँ।